स्टार्ट। आतंकवाद हिंसा का एक गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। विराम। आज आतंकवाद एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। विराम। इसका इस्तेमाल आम लोगों और सरकार को डराने धमकाने के लिए हो रहा है। विराम। बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन, राजनीतिज्ञ और व्यापारिक उद्योगों के द्वारा आतंकवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। विराम। लोगों का समूह जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें आतंकवादी कहते हैं। विराम। आतंकवाद को परिभाषित करना बहुत आसान नहीं है क्योंकि इसने अपनी जड़ें बहुत गहराई तक जमाई हुई है। विराम। आतंकवादियों के पास कोई नियम और कानून नहीं है। ये समाज और देश में आतंक के स्तर को बढ़ाने और उत्पन्न करने के लिए केवल हिंसात्मक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। विराम। पूरे विश्व के लिए आतंकवाद एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्या बन चुका है। विराम। ये एक वैश्विक समस्या है जिसने लगभग सभी राष्ट्रों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया हुआ है। विराम। हालांकि बहुत सारे देशों के द्वारा आतंकवाद का सामना करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसे आज भी समर्थन दिया जा रहा है। विराम। आम लोगों को किसी भी समय खौफनाक तरीके से डराने का एक हिंसात्मक कुकृत्य है आतंकवाद। विराम। आतंकवादियों के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि समाज में हिंसा के डर को फैलाना, राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति आदि। विराम। इनके निशाने पर हर वक्त देश का आम नागरिक होता है। विराम। एक खास देशों की सरकार ने अपनी मांगों को पूरा करवाना ही आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य होता है। विराम। लोगों और सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए वो ऑनलाइन, सोशल मीडिया, समाचार पत्र या पत्रिकाओं से संपर्क करते हैं। विराम। कई बार आतंकवादी हमले अपने वैचारिक और धार्मिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए होते हैं। विराम। भारत एक विकसित देश है जिसने पूर्व और वर्तमान में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। आतंकवाद उनमें से एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या है। विराम। भारत ने भुखमरी से होने वाली मृत्यु, अशिक्षा, गरीबी, असमानता, जनसंख्या विस्फोट और आतंकवाद जैसी चुनौतियों का सामना किया है जिसने इसकी विकास और वृद्धि को बुरी तरह प्रभावित किया है। विराम। आतंकवादियों के धर्म, मातृभूमि और दूसरे गैर तार्किक भावनाओं के उद्देश्यों के लिए आम लोगों और सरकार से लड़ रहा आतंकवाद एक बड़ा खतरा है। विराम। आतंकवादी अपने आप को एक बहादुर सैनिक बताते हैं, हालांकि वो वास्तविक सैनिक नहीं होते हैं। विराम। सच्चे सैनिक कभी भी आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और वो केवल दुश्मनों से अपने देश को बचाने के लिए ही लड़ते हैं। विराम। वास्तव में असली सैनिक वो होते हैं जो राष्ट्रहित के लिए लड़ते हैं, जबकि आतंकवादी अपने खुद के गलत उद्देश्यों
के लिए लड़ते हैं। विराम। एक राष्ट्रीय सैनिक अपनी सभी जिम्मेदारियों को समझता है, जबकि एक आतंकवादी कभी भी ऐसा नहीं करता। विराम। आतंकवादियों को उनका नाम आतंक शब्द से मिला है। विराम। पूर्व में आतंकवाद केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था। विराम। जैसे जम्मू कश्मीर। हालांकि आज के दिनों में ये लगभग सभी क्षेत्रों में फैल चुका है, खास तौर से भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में। हाल ही में भारत में आतंकवादी हमला मुंबई में नरीमन हाउस और ताज होटल में हुआ था। विराम स्टॉप।